हेलो भाई लोग, और आप सब लोग कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, एकदम मस्त। और स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। तो चलिए आज क्या क्या करते हैं देखते हैं। वैसे अभी बहुत भूख लग रहा है, तो कुछ बना लेते हैं पहले खाने के लिए, और उसके बाद देखते हैं क्या क्या करते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। कुछ बनाने से पहले हम लोगों को बर्तन धोना पड़ेगा, क्योंकि बर्तन पूरा गंदा है। तो पहले फटाफट से इसको धो लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं। तो हम लोग आज बना रहे हैं आटा का रोटी। और आटा का रोटी मतलब हम लोग कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। वैसे बहुत लोग आप लोग ऐसे खा चुके होंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा आज जल्दी में थोड़ा, ये बहुत जल्दी बन जाता है, इसलिए हम लोग जल्दी बन जाएगा बोल के ऐसे बना के देखते हैं। बहुत दिन से वैसे मैं भी नहीं खाया हूँ, लेकिन खाते देखूंगा आज कैसे लगता है। मतलब हम लोग बचपन में बहुत खाते थे, लेकिन बहुत टाइम हो गया अभी तक खाए नहीं, तो बनाते हैं अभी। चलिए सबसे पहले आप लोग जितना खाओगे उसके हिसाब से बर्तन में थोड़ा सा आटा ले लो, मतलब जितना आप खाओगे। वैसे हम लोग ज़्यादा है नहीं, दो ही लोग हैं, तो हम लोग दो लोगों के हिसाब से इतना काफ़ी है। वैसे ये मीठा वाला बनता है, इसमें हम लोग थोड़ा सा शक्कर डाल देते हैं। आप लोगों को जितना मीठा खाना है उस हिसाब से आप लोग शक्कर डाल सकते हो। वैसे मैं ज़्यादा ही मीठा खाता हूँ। ये बर्तन शायद मेरे को लग रहा है थोड़ा सा छोटा पड़ गया है, इसलिए हम लोग इसको इसमें डाल दे रहे हैं, ताकि हम लोग अच्छे से आराम से बन जाए। ये आप लोग इसमें शक्कर मिला दी, उसके बाद आप पानी थोड़ा थोड़ा से हल्का हल्का पानी डाल सकते हो। इसको थोड़ा हल्का हल्का इसे गीला करना है, उसके बाद फिर कैसे बनाता हूँ मैं आप लोग देखिए। वैसे आप लोग देख सकते हो ये आटा भी तैयार हो गया है, इसको ज़्यादा नहीं इतना ही गीला करना है। उसके बाद अभी देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। उसके बाद आप लोग थोड़ा सा तेल ले लीजिए और तेल को इसमें से थोड़ा सा डाल दीजिए। अब तेल डालिए ऐसे मजे में, उसके बाद थोड़ा सा इसको गर्म होने दें, और फिर इसको थोड़ा सा ऐसे चारों तरफ थोड़ा सा ऐसे आप लोग फैला दो तेल को। उसके बाद कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। वैसे मैं कब से देख रहा हूँ यार ये गर्म क्यों नहीं हो रहा है, गर्म क्यों नहीं हो रहा है। जब मैं नीचे ऐसे झांक के देखा तो देख रहा हूँ हम लोग का चूल्हा ही बंद हो गया। चलिए अब इसको करते हैं। ये चूल्हा का थोड़ा सा आजकल कुछ परेशानी हो गया, दिक्कत हो गई, अपने आप पता नहीं चलते चलते बंद हो जाता है। कुछ नहीं करना है आप लोग, बस इसको आप लोग थोड़ा सा ऐसे फैला दीजिए। बस फिर क्या है, अपना रोटी अभी होने वाला है तैयार। आटे का जो घोल आपने बनाया है उसको आप इसके ऊपर ऐसे रख दीजिए, रख लीजिए, और हल्का सा ऐसे पानी लीजिएगा और इसको ऐसे धीरे धीरे से ऐसे रख के फैला दीजिएगा। इस तरह से आप लोग घोल थोड़ी देर के लिए ऐसे ढक दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा इसको ढकने के बाद रुक जाइएगा थोड़ी देर, और उसके बाद फिर हम लोग दिखाते हैं खोल के। आप लोग इसको ज्यादा टाइम तक मत रखिएगा, बस आपको इसको सिर्फ एक मिनट ऐसे कुछ रखना है। बाकी आंच को थोड़ा सा कम कर दीजिएगा और इसको अच्छी आंच में पकने दीजिएगा। आप लोग देख सकते हो ये अच्छे से पक रहा है। अगर आप लोग पहले कभी नहीं देखे हैं ये, तो आप लोगों को मैं बता दूंगा बाद में कि ये कौन सा रोटी है। बाकी जिनको पता है वो आप सब लोग बता सकते हो कि ये कौन सा रोटी है, आप लोग के तरफ इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता, शायद मैं भी भूल गया लग रहा है इसका नाम क्या है, क्योंकि हम लोग बचपन में खाए थे। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका नाम क्या है।
तो ये हम लोग का रोटी बन के तैयार हो चुका है। देख के बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है ये। जितने भी आपके पास आटा आपने घोल के रखा उसके ऐसे ही आप लोग बना सकते हैं। थोड़ा पानी लीजिए और थोड़ा सा हाथों से चार तरह से खिला। तो आप लोगों को देख के बहुत मजा आ रहा होगा क्योंकि ये चीजें आप लोग बहुत से लोग नहीं भी देखे होंगे और बहुत से लोग आप लोग देखे भी होंगे और बनाकर रोटी खाए भी होंगे। और ये हम लोगों का दूसरा रोटी भी तैयार हो चुका है जी। तो आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइए कि ये कौन सा रोटी है। हम लोगों का ये रोटी तैयार हो गया और अन्नू का भी खाया नहीं, इसलिए मैं सबसे पहले अन्नू को टेस्ट करवा रहा हूँ, फिर देखते हैं अन्नू क्या बोलता है, उसको कैसा लगता है। ये गरम है और ओ अच्छा है, मीठा मीठा रोटी का स्वाद बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अन्नू खा के देख लिया, उसको बहुत अच्छा लगा और मेरे को भी भूख लग रहा है तो मैं अभी खाता हूँ। तो आप लोग को भी अगर ये चीज अगर अच्छा लगा तो आप लोग भी बनाइए और खा के देखिए। और क्या बोलूँ मैं, ऐसी बने रहिए मेरे साथ और मेरे ब्लॉग्स को देखते रहिए, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और क्या बोलूँ, बाकी सब तो ठीक है, आप लोग भी ठीक से रहिएगा।